उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले ने कुपोषण के खिलाफ एक सामूहिक लड़ाई छेड़ी। पीएम पोषण अभियान के विजन और वोकल फॉर लोकल की सोच को पिरोए इस लड़ाई में उनका साथी बना संवर्धन, जिसका उद्देश्य कुपोषित बच्चों, किशोरी बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं में कुपोषण की व्यापकता को खत्म करके उन्हें सुपोषित बनाना था। हम लोग अपने फार्मर सदस्यों से क्लस्टर बनाकर और डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर से हाई वैल्यू ग्रेन्स उगवाते हैं, जिसमें मिलेट्स हैं, जिसमें ब्लैक वीट है, मशरूम है, आंवला है, इस तरह की चीज़ें उगाकर अपने मेंबर से यहाँ हम लेते हैं। लेने के बाद उनको सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, मिक्सिंग और रोस्टिंग करके एक परफेक्ट मिक्सचर हम लोग यहाँ तैयार करते हैं। इन सभी किसानों के माध्यम से डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स को उत्पादन करके और उनका हम लोग वोकल फॉर लोकल की थीम पर लोकल प्रोडक्शन, लोकल प्रोक्योरमेंट, लोकल प्रोसेसिंग एंड लोकल कंजम्पशन की थीम पर काम कर रहे हैं। किसी भी अभियान की सफलता के लिए जरूरी है कि उसके मॉनिटरिंग कैसे हो, ताकि हम उसका इम्पैक्ट जान सकें। हमारे इस पोषण वारों में नियुक्त पोषण चैंपियंस लाभार्थियों से संवाद स्थापित करते हैं तथा ये जानने का प्रयास करते हैं कि उनके बच्चों में पोषण की श्रेणी में बदलाव क्या हुआ तथा जो हम पोषण किट दे रहे हैं उससे उनको क्या लाभ हो रहा है। पोषण पंचायतों के माध्यम से सभी लाभार्थियों को पोषण किट की महत्ता के बारे में बताया। हमने विकास भवन में पोषण वॉर रूम की भी स्थापना की, जहाँ पे हमारे पोषण चैंपियंस सीधे बेनिफिशियरीज से बात करते थे। उनकी ट्रेनिंग का जो पार्ट है, उनके फीडबैक मैकेनिज्म का भी हम लोगों ने पोषण वॉर रूम के माध्यम से ध्यान रखा। घर घर जाकर हमने होम विजिट के द्वारा उन्हें उस पोषण पोटली के बारे में, लाभों के बारे में बताया, उसके सेवन के बारे में बताया। जो ये आंगनवाड़ी वाली दीदी किट दे के गई थी, उसमें शहद था, बिस्कुट थे और दलिया था। वो हमने अपने बच्चे को टाइम से ही खिलाया है, जैसे इन्होंने बताया वैसे ही खिलाया है। मेरा हीमोग्लोबिन कम था, इसलिए मुझे आंगनवाड़ी की दीदी की तरफ से पोषण किट मिली थी और उसे खाने से मुझे फ़ायदा हुआ। मैं अपने बच्चे को सही दूध पिलाती हूँ, इससे मैं स्वस्थ रहती हूँ। कमज़ोरी भी ठीक हो गई और दूध भी सही उतरता है बच्चे के लिए। हम भी स्वस्थ हैं और बच्चा भी स्वस्थ है। हमारे किसान भाइयों ने FPO के माध्यम से पूरी मदद की और उनके द्वारा निर्मित पोषण किट से हम इस अभियान में सफलता प्राप्त कर पाए। आज की स्थिति ये है, सन 2023 में हमारे जो लाभार्थी चिन्हित थे, आज वो नॉर्मल श्रेणी में आ चुकी हैं महिलाएं, और हमारे सेम बच्चे भी नॉर्मल श्रेणी में आ चुके हैं। हम भारत सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना में हम बहुत खुश हैं कि हमारे लाभार्थियों के लिए ऐसी कोई योजना बनाई गई जिससे हम पूरा पोषण उन्हें घर से ना मिलकर उस पूरे पोषण पोटली के माध्यम से उन तक पहुँचा सकते हैं। अब ये प्रोजेक्ट केवल जन भागीदारी तक ही सीमित नहीं रहा है, कुपोषण को समाप्त करने की दिशा में जन भागीदारी से आगे बढ़कर जन आंदोलन का रूप ले चुका है। रामपुर में बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिला द्वारा संवर्धन दे रहा है सशक्त और स्वस्थ भारत के भविष्य को मजबूत आधार।